में आपका स्वागत है। आइए हम आज बूंदी वाला कढ़ी बनाने के लिए सीखते हैं। और पकोड़ा कढ़ी तो सभी कोई बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। और ये कढ़ी बूंदी कढ़ी बनाने से बहुत जल्दी बन जाता है। किसी को जल्दी से कढ़ी खाने का मन लगा तो ये वाला बूंदी वाला कढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा बन के बाज़ार में अवेलेबल रहता है ये, और घर में भी इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एक कटोरी दही ले ली हैं, और 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिए हैं, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए हैं, 1 छोटे चम्मच पीसी मिर्ची पाउडर ले लिए हैं, और 8-10 कढ़ी पत्ता ले लिए हैं, 2 हरा मिर्च है जिसको छोटे छोटे काट लिए हैं, 1 प्याज को काट ली हूँ छोटे छोटे, थोड़ा से हरा धनिया है, और थोड़ा से सरसों ले लिए हैं। और आइए इसको बनाते हैं। पहले आइए सबसे पहले दही को इसमें बाउल में निकाल लेते हैं, और इसमें 2 चम्मच बेसन डाल लेते हैं। और थोड़े से हल्दी डाल लेते हैं, थोड़े से पीसी मिर्च को भी डाल लेते हैं, इसको पहले इस तरह से घोल लेते हैं, थोड़े से इसमें पानी डाल देते हैं, इस तरह से इसको बढ़िया घोल के पेस्ट बना लेते हैं। ये अब ये बन के तैयार हो गया है। इसका इस तरह से मीडियम घोल रहना चाहिए, ये ज़्यादा पतला भी नहीं है ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, इसको एकदम ज़्यादा गाढ़ा ना बनाएं, नहीं तो कढ़ाई में डालते वक्त ये छोटे छोटे लम्स पड़ जाएंगे इसमें। आइए अब गैस गैस जला के कढ़ाई रख देते हैं पहले। आइए सबसे पहले इसमें 2-3 चम्मच तेल डाल देते हैं, ये रिफाइंड ऑयल है। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद में इसमें सबसे पहले सरसों डाल देते हैं। इसके कढ़ी पत्ती डालते हैं। इसके बाद कढ़ी पत्ती डालने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हूँ, हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची डालने के बाद ये प्याज काट लेते हैं, डाल लेते हैं। इस तरह गोल्डन भुनाने के बाद में अब इसमें ये घोल बनाए हैं इसको डाल देते हैं, और इसमें और थोड़ा से पानी देते हैं। इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें गाढ़ा ना हो जाए इसलिए। इस तरह देखिए घोल को डालने के बाद इसमें 1 गिलास और पानी डाल दी हूँ, इसमें हमको कुल 2 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी है। और इस तरह उबाल आने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए, 1 चम्मच नमक डाले हैं इसमें। और इस तरह पूरी तरह उबलने के बाद में ये बूंदी को इसमें डाल दीजिए, और गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर दीजिए। इस तरह 1 उबाल आने के बाद अब गैस को बंद कर देते हैं, और इसमें थोड़ा से हरा धनिया कटे हुए डाल देते हैं थोड़ा से। इस तरह से देखिए बन के तैयार हो गया, आप इसे सर्व कर देते हैं। देखिए बूंदी का कढ़ी बन के तैयार हो गया है ये। और बूंदी का रायता तो सभी कोई खाते हैं, लेकिन ये बूंदी का मैं कढ़ी बनाई हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है और तुरंत 10 मिनट में बन जाता है ये। आप लोग भी इसको बना के खाइए, और ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।